घर की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था, मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टीके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी सास, आप कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। नहीं आई, कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये, और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, है? और ये क्या पहना है, न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू, इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहाँ मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए नहीं कमाना शुरू किया, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता ना कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना, दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहाँ पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है, पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी दादी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है कार में बैठ नहीं पाती, पता नहीं बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं, देख यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी, यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी, इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा, क्या हो जाता है आपको रह रह कर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं, मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी, साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था, और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, किसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं, सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं, क्यों ससुर जी बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा, 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में, क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, ये नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है, चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो।
देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूँ माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है? माँ देख, जो भी हो इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है, औरतों का औकात में रहना जरूरी है। अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बात उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है, क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी? मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़ अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊँ माँ, गलती तो हो गई है। हाँ वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा औरतों को मुट्ठी में रखा कर, शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा? मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर, अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी? मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू की बहू को लगाम लगाना होगा, ठीक है? दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादून। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी, उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है, फिर अगले रोज। अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूँ। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था, दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी, मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना, तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था ना कोई रोटी खा रहा था, क्या? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी, अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहाँ पिता भी आ जाता है। देख बेटा, दो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी, मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनानी को। मंगलू मेरी तो टिकटी करा दे गाँव की, तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है, मैं चली। अरे नाना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी? मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो
बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है, मीना देख ज्यादा हीरोइन मत बन, आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना, ना मुझे तेरी कमाई चाहिए ना ही तेरी नसीहत, आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो, ये तुम्हारी बोली नहीं है, कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था, सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे, लेकिन अब। तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है। सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू, ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासुमा, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी, वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है, मुझे माफ कर दो।